नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, कल गणपति विसर्जन का आखिरी दिन था और महाराष्ट्र में जगह जगह पर अलग अलग कार्यक्रम हुए। इसी कड़ी में विरार अंतर्गत मुंबई पटवा सेवा संघ द्वारा विरार में गणेश भक्तों को बिस्किट का वितरण किया गया। आप जो तस्वीरें और विजुअल देख रहे हैं, ये उसी क्षण का है जब मुंबई पटवा सेवा संघ द्वारा ये भक्तों के लिए निस्वार्थ भाव से इस तरह का सेवा की गई। पिछले 2 साल से कोरोना के हिसाब से पाबंदी थी। ये मुंबई पटवा सेवा संघ जो है काफी सालों से इसी तरह से बिस्किट वितरण, पानी वितरण की सेवा करती आ रही है, लेकिन 2 साल से बंदिश होने की वजह से इनका कार्यक्रम नहीं हो पाया था। कल इन्होंने विरार के मनवेरपाड़ा तालाब के पास अपना शामियाना लगाया और वहां पर इन्होंने बिस्किट वितरण किया, जिसमें पूरी इनकी संस्था खड़ी थी और कई सामाजिक लोग साथ में थे। तो आप देखिए इस संस्था द्वारा किए गए इस सेवा भाव के कार्य की पूरी झलकियां। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। बारिश हो रही है, सब एक दूसरे का सहयोग करें, कोई भी गंदगी ना फैलाए। मुंबई पटवा सेवा संघ आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। मुंबई पटवा सेवा संघ द्वारा ये आयोजित ये कार्यक्रम, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुंबई पटवा सेवा संघ द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें बिस्किट वितरण का कार्यक्रम है जो हर वक्त आज का आयोजन जितना बढ़िया रहा है, ये लोगों के एक स्फूर्ति जो हमारे समाज को चाहिए थे, बिस्किट वितरण वाला हमारा समाज और सभी देख रहे हैं इतना अच्छा प्रोग्राम, और हमारे समाज का आगे बढ़ने का प्रोग्राम अच्छा हो रहा है। और हम हमेशा चाहते हैं ऐसे ही सब बढ़ चढ़ के एक योगदान, सब यहाँ पे हुए सभी ने योगदान दिया और बिस्किट वितरण का ऐसा अच्छा प्रोग्राम हुआ। हम चाहते हैं हमारा समाज ऐसे ही बढ़ता रहे। यह पता दे सकते हैं सर, लॉकडाउन की वजह से हम लोगों ने प्रोग्राम को नहीं रखा, क्योंकि उस टाइम पे कोरोना काल चल रहा था और परमिशन भी नहीं मिल रही थी। हमें इस बात का दुख है, लेकिन इस साल बड़ी खुशी की बात है कि हमारा परमिशन भी मिला और हमको इस प्रोग्राम को रखने के लिए बहुत खुशी हुई। और सहयोग जो है हमारे मुंबई पटना सेवा संघ की तरफ, मुंबई से चारों दिशाओं से सहयोग हमको मिला, हमारा सहयोग यूपी से भी आता है, तो हम इस प्रोग्राम को और बढ़ा रहे हैं। और अपने समाज के लोगों से ये निवेदन करना चाहूँगा, इस प्रोग्राम में आए और अपना भाषण करके हिस्सा लें। हम सभी का धन्यवाद देते हैं जो हमारे लोगों ने इसमें इस प्रोग्राम में सहयोग किया। सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया का अदा करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। मुंबई पटवा सेवा संघ शिक्षा मंत्री ऑफ मुंबई पटवा सेवा संघ, शिक्षा मंत्री, आई वांट टू गिव मैसेज टू ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द पीपल हु आर गेटिंग एजुकेशन इन क्लास प्रॉपर, वी कांट एक्सप्लेन इन टू वर्ड्स, बट आई वांट टू से दैट एजुकेशन सबको होना चाहिए, अपने भारत के अंदर चले जाओ, स्पेशली अगर हमारे समाज को वी वांट टू ग्रो आवर सोसाइटी, सो ये एजुकेशन हमारा माध्यम है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। कोरोना के कारण 2 साल जो है, 2 साल से सारे घर पे बैठे हुए थे, चाहे वो बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे बड़े हों, एंड मेनी ऑफ देम वेंट टू गेट एमरजेंसी एजुकेशन हो गए अपने, इसकी वजह से बहुत सारी पढ़ाई में छूट भी गई, ऑनलाइन क्लासेस मेरा लगे थे, बट मुझे गैप आ गया है लास्ट का हाई स्कूल से, लास्ट से मैं पढ़ा जा सकती हूँ। और आज हम लोग समारोह हुआ है, जिसके लिए सब लोग बहुत सारे पार्टिसिपेट किया हुआ है,
हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।